टीका लगा रहा है बुआ जी को, ये तो बहुत जरूरी होता है। सब उम्र कोई भी हो, चाहे उम्र छोटी हो बड़ी हो, मायके से जाने का ढंग से जाना, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी वापस। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत, आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। और अभी तो अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुके हैं। और मैं लगभग 5:30 बजे उठ गई थी और साफ सफाई का काम कर दिया है, साथ में मैंने जो राई बो रखी थी उस पे तो अब सारे फूल लग चुके हैं, फलियां लग चुके हैं। और उधर से तो मैंने काट दी है घास के लिए और वहां पे ना दूसरी वाली राई भी बो दी है। आजकल पहाड़ों का मौसम काफी सुहावना हो चुका है और सुबह के टाइम ना काफी सुंदर लग रहा है। ठंडा तो थोड़ा बहुत लग ही रहा है, लेकिन जो पेड़ पौधों पे है मौलिया आ चुका है। तो चलिए जी किचन में चलते हैं। सबसे पहले तो सब्जी धो लेते हैं और किचन में मैंने पानी रखा हुआ है नहाने के लिए, ये देखिए। तो फाइनली मैंने चूल्हे पे ना सब्जी भी रख दी है और सब्जी आप लोग देख सकते हैं, प्याज के पत्ते, गोभी और जो न्यूट्री होती है बॉडी होती है उसको भी डाला है मैंने मिक्स करके। अभी 8 बज चुके हैं और मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। साथ में ललित के घर पे बुआ जाने लग गई हैं, ललित की जो बुआ हैं वो जाने लग गई हैं। तो अब मेहमान सभी चले गए हैं, केवल संतोषी रह गई है। यहाँ पे ललित शगुन का टीका लगा रहा है बुआ जी को, ये तो बहुत जरूरी होता है शगुन का टीका और शगुन का लिफावा। तो जो करण प्रयाग से मेहमान आए थे बुआ जी, उनकी तैयारी भी हो चुकी है, तो बाय बाय करो भाई। तो उम्र कोई भी हो, चाहे उम्र छोटी हो बड़ी हो, मायके से जाने का मतलब थोड़ा सा मायूसी तो होती है, दुख तो होता ही है। तो बुआ जी ने जाना है इस वाली बस में रुद्रप्रयाग तक। तो आज ललित और मीनाक्षी जा रहे हैं घूमने के लिए, ये दोनों जा रहे हैं चोपता और चोपता की हसीन वादियों में जा रहे हैं। ये तो नया जोड़ा है तो इसलिए जा रहे हैं, हम लोग तो पुराने हो गए हैं। की जर्नी ठीक है, ढंग से जाना, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी वापस आना। हाँ तो शाम को रोटी तू बनाएगी भाई, ठीक है। हाँ तो पहले तो जाओ। और दुल्हन ने आज साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि उधर मंदिर वगैरह तो है नहीं चोपता में, ये तो बर्फ देखने जा रही है। शहर से बहू आई है तो पहाड़ में बर्फ देखने जा रही है, तो ठीक है बर्फ में ज्यादा मत खेलना, जुखाम खांसी बुखार हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, जल्दी आना। बाय डुगू, बाय डुगू, बाय। हाँ शौक से ये सामने छत पे हैं ग्रुप की महिलाएं, तो ग्रुप में महिलाओं की मीटिंग होगी आज। तो मीटिंग मतलब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे भी प्रेयर हो रही है इस समय। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी स्कूल से आ रही हूँ। यहाँ पे दीदी पैकिंग कर रही है मिठाई की, जो शादी में जो द्वारा भट्टा में जो मिठाई आई थी, तो जो लड्डू आए हैं उनको गांव में ले जा रहे हैं। गांव में सभी को बांटना है एक एक दो दो लड्डू, जो जितना भी हिस्से में आएगा उन लोगों के, तो सभी को बांटना है ये। तो चलिए भाई एक बार इनको बांटते हैं। और इनको बांटने के लिए पता नहीं मैं जाऊंगी या काना जाएगा या संतोषी, हम तीनों में से दो लोग जा सकते हैं ना। हेलो, हेलो।